गुड मॉर्निंग आज हम क्लास सिक्स के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर या लेसन नंबर फोर्थ पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइवर टू फैब्रिक जो हमारे फाइवर्स होते है, रेसे हैं रेसे हिसे हैं उनसे हम कैसे फैब्रिक या कपड़े को बनाते हैं तो इसमें हमारे फोकसिंग ऑन मेन जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वह क्या हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल जो क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है टाइप्स ऑफ फाइबर्स फाइबर्स के कितने टाइप्स हैं और फाइबर्स टैंड फेबरिक जो फाइबर और फैब्रिक क्या हैं ठीक है ना तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे और क्लॉथिंग मटेरियल क्लॉथिंग इज़ अ फैब्रिक वॉन्ट टू कवर द बॉडी जो क्लॉथिंग होती है वह एक तरीका का फैब्रिक है जो कि अकट्ठा मई बॉडी को कवर करता है ये ढकता है वेस्टर्न क्लॉथिंग गेंड पॉपुलरिटी इन इंडिया जो वेस्टर्न क्लॉथिंग है उसने बहुत अधिक पॉपुलरिटी गेन कर ली है कहाँ पे इंडिया में ड्यूरिंग ट्वेंथ सेंचुरी बट इवन टूडे पीपल वीयर साड़ीज धोती लुंगीस और टर्बिन एज एज अनस्टिचिंग पीसेस ऑफ फैब्रिक तो कब के लिए की थी ड्यूरिंग ट्वेंटी सेंचुरी के समथिंग लेकिन आजकल जो टूडेज पीपल है आजकल के लोग हैं बाज़ार तक क्या पसंद करना पहनते हैं साड़ी धोती लुंगी और तरबीन एज अनस्टिचिंग पीस या फिर बना सिले हुए कपड़े जो फैब्रिक होते हैं उनको नाउ डेज वी फाइंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स हमें बहुत सारी वेराइटी का फैब्रिक मिलेगा रिसा मिलेगा एंड क्लॉथिंग मटेरियल इन द मार्केट और क्लॉथिंग मटेरियल भी होगा कहाँ पर बाज़ारों में फाइबर्स एंड फैब्रिक होते क्या हैं फाइबर इज़ अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रेंड यूज टू मेक येन्स जो फाइबर होते हैं वह थिन पतले थ्रेड लाइक स्ट्रेंड्स होते हैं जो क्या बनाते हैं येन्स बनाते हैं येन इज अ कंटिन्यूस स्टेंड ऑफ ट्विस्टेड फाइबर्स ये होते हैं कंटिन्यूसट होते हैं ट्विस्टे इट इज ऑपटेन फ्राम प्लाट्स और एनिमल सोर्स ये कहाँ से ऑप्टेन होते हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेज से ओपटेन होते हैंदर बिकम्स अ फैब्रिक अ फैब्रिक इज दैन स्ट्रेच टू मेक क्लॉथिंग जो फैब्रिक होते हैं बाय स्ट्रेच करके उसको सिल्के किस के लिए यूज किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए कपड़े बनाने में यूज होता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइबर्स फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं तो फर्स्ट है हमारा इसमें नेचुरल फाइबर्स तो द फाइबर्स दैट आर ओपटेंट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फ़ाइबर्स ऐसे फाइबर्स जो कहाँ से ओपटेंट होते हैं प्लांट और एनिमल से पेड़ पौधे या जानवरों से उनको हम नेचुरल फाइबर्स या प्राकृतिक जैसे कहते हैं द फाइबर्स ऑफटीन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट फाइबर्स जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं एग्जाम्पल कॉटन हो गया कॉटन प्लांट से मिलता है जूट हो गया जूट प्लांट से मिलता है फ्लैक्स हो गया फ्लैक्स प्लांट से मिलता है हेम्प हो गया हेम्प प्लांट से मिलता है कोर हो गया कोकोनट प्लांट से मिलता है सिल्क कॉटन हो गया फ्रूट्स ऑफ सिल्क कॉटन ट्री जो सिल्क कॉटन ट्री का शहतूद का पेड़ होता है उससे ऑल्सो कॉल्ड जिसको हम कैपॉक भी कहते हैं फाइबर्स ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल एनिमल फाइबर और ऐसे फाइबर जो हम एनिमल से ऑप्टेन करते हैं उनको हम एनिमल फाइबर कहते हैं फर्स्ट जैसे कि सिल्क हो गया कोकून से होता है ऑफ सिल्क मूथ ठीक है ना और वूल हेयर ऑफ सीप वूल कहाँ से मिलता है ऊन हमें जो सीप के हेयर होते हैं भेड़ के बाल होते हैं उनसे यहाँ पे आपको एनिमल्स फाइबर के कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे और प्लांट फाइबर के जैसे कि सिल्क बम हो गया प्लांट फाइबर सिल्क थ्रेड सीप फियरिंग हो गया सिल्क बम से क्या बनेगा सिल्क थ्रेड बनेगा सिल्क का धागा सीप फियरिंग से क्या हो गया वुल बनेगा ऊन बनेगा सिंथेटिक फाइबर तो सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है ये क्या होती है सिंथेटिक या संश्लेषित रेसे हिंदी में जिसको कहते हैं मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं फाइबर रेसे जो केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं जैसे नाइलॉन हुआ रेन पॉलिस्टर एंड एक्रिल आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर इधर आपको कुछ दिए भी होंगे रेन नाइलॉन पॉलिस्टर एक्रिलिक इनके कुछ एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर के दिए हुए हैं नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यह विशेषताएँ होती हैं फर्स्ट है एडवांटेज उसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं तो इसके एडवांटेज क्या क्या हैं दे आर स्ट्रॉन्ग देन नेचुरल फाइबर यह स्ट्रोंग होती हैं नेचुरल फाइबर से ठीक है ना दे आर इजी टू वॉश एंड मैंटेन उन्हें आसानी से हम वॉश कर सकते हैं धो सकते हैं और मैंटेन कर सकते हैं दे डू नॉट रिंकल बट ड्राई ईजली इनमें कोई रिंकल्स नहीं बढ़ती हैं कपड़े पर और ये आसानी से ड्राई हो जाते हैं सूख जाते हैं दे आर फ्लेम रेजिस्टेंस एंड वाटर प्रूफ या फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं जन पर फ्लेम का कोई असर नहीं होता है आग का और वाटर होते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है दे डू नॉट एब्सॉर्ब स्वीट यह पसीने को एब्सॉर्ब नहीं करती हैं सोखती सोखते नहीं है दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रो देम ईजली और यह अपने अंदर से एयर को आसानी से पास नहीं होने देते दे कैच फायर ईजली व आसानी से आग पकड़ ला जाते हैं एंड हैंस कैन नॉट बी यूज इन किचन और यह किचन में यूज नहीं होते हैं दे आर नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वैदर और इनका यूज़ हम हॉट uh, गर्म और जो आद्र मौसम होता है उसमें इनका यूज़ या सुटेबल नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक का फाइबर्स में कॉटन ठीक है न वॉट इज कॉटन काटन क्या है कॉटन फैब्रिक आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल जो कॉटन फैब्रिक होता है वह कैसा होता है सॉफ्ट होता है और ड्यूरेबल होता है दे आर गुड एप्सॉलेंट ऑफ वाटर ऑल्सो और वह गुड और अच्छा तो अफसोसित करने वाला वाटर को आसानी से अपशोषित करने वाला भी होता है हाउ कॉटन इज ओपटेंट कॉटन को हम कैसे ओपटेंट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे द प्लांट्स ऑफ कॉटन टेक अबाउट टू एंड हाफ मंथ आफ्टर इस बोइंग टू बियर वाइट और येलो फ्लावर्स जो प्लांट्स होते हैं कॉटन के उन्हें दो दो और आ, हाफ मंथ लगते हैं बोने के बाद जिससे कि मतलब पेड़ लगाने के बाद उनका प्लांट होता है उसके लिए टू तो वियर व्हाइट और येलो फ्लावर्स जिससे उसमें क्या आ जाए दो ढाई महीने में उसमें क्या आ जाते हैं येलो और वाइट कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉयल जो कॉटन प्लांट्स होते हैं बाली मिट्टी में अच्छे ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं इन अ वॉर्म क्लाइमेट और गर्म क्लाइमेट में इन इंडिया कॉटन मोस्टली ग्रो इन महाराष्ट्र इंडिया में ज़्यादातर जो कॉटन होता है वह कहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश एंड द के प्लेटू में उगाया जाता है कॉटन प्लांट्स वी आर स्मॉल ग्रीन पोर्ट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स जो कॉटन प्लांट्स होता है वह बीयर करिए होता है ग्रीन पोर्ट्स जिनको हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं वैन द काटन बॉल्स वैन द काटन वैन द काटन बाल्स मैचोर दे बस्ट ओपन एक्सप्रोसिंग द वाइट काटन फाइबर जब जो कॉटन बॉल्स हो जाती हैं वह जब बड़ी हो जाती हैं मैचोर हो जाती हैं तो वह बस्ट हो जाती हैं और अपने अंदर से कॉटन फाइबर को बाहर निकालती हैं द फाइबर आर देन सीपरेटेड फ्रॉम द सीड्स और फिर उस फाइबर को हम क्या करते हैं उसके बीच से जो सीड होता है उससे सीपरेट या उससे अलग कर लेते हैं इसके बाद है गिनिंग। इन दिस प्रोसेस गिनिंग की प्रोसेस में क्या होता है कॉटन फाइबर आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीड्स वाई कमिंग विच कॉल्ड गिनिंग जो सीड्स होते हैं किसके कॉटन के उनको कमिंग करते हैं जिसको हम गिनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को गिनिंग इज डन बाय मशीन बाय गिन्स और जो गिनिंग होती है बाय मशीन से की जाती है जिसको हम गिन्स कहते हैं अर्लियर इट वाज डन मैनुअली बाय हैंड्स और पहले क्या होता था इसको हाथों से किया जाता था कॉटन प्लांट्स हैं इसकी कॉटन बॉल्स बनती हैं और उससे कॉटन के क्लॉथ बनते हैं द गंद कॉटन इज मेड इन टू बेल्स जो गिंड क्लॉथ हैं वह कहाँ बनते हैं बिल्स में इन फैक्ट्रीज फैक्ट्रियों में क्या होता है कॉटन इज़ स्पन फ्राम दिस बेल्स दे येन वोवेन टू मेक द कॉटन फैब्रिक यूज ऑफ कॉटन कॉटन के क्या क्या यूज चलिए तो हम कुछ चलिए तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट यूज देखते हैं कॉटन के फर्स्ट है हमारा कॉटन फैब्रिक आर यूज टू मेक साइट्स टी शर्ट्स टॉवल्स सूट्स जीन्स एक्सेट्रा जो कॉटन फैब्रिक होता है उसका यूज़ किसके लिए करती हैं हम सेट बनाने के लिए टी शर्ट के लिए टावल्स के लिए सूट बनाने के लिए और जीन्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं सेकेंड है कॉटन पैड्स आर यूज इन हॉस्पिटल जो कॉटन के पैड्स होते हैं उनका यूज़ हॉस्पिटल्स या अस्पतालों में किया जाता है थर्ड है कॉटन यूज एज फिल्टर इन मेट्रेसेस एंड प्लोज जो कॉटन है उसका यूज़ मेट्रेसेस और प्लो बनाने में भी किया जाता है थैंक यू